दुनिया में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो बुरे समय को अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से सही समय बनाकर आगे निकल जाते हैं, और दूसरे वो जो समय को समय के हवाले कर कर बस यही बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो नौकरी मिलेगी, वरना भगवान ने पेट दिया है तो रोटी का इंतजाम भी आखिरकार कर ही देगा। किसी ने खूब कहा है कि मत यकीन कर इन हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते हैं जिनके कभी हाथ नहीं होते। मेरी इन बातों पर प्लीज 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 विचार करिएगा और सोचिएगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, पहले वाले या फिर दूसरे वाले। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ दोबारा से किताबों की दुनिया का क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। यह है इसका पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल गोल्डन पॉइंट के बारे में, जो जीके के गोल्डन पॉइंट होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये सभी के सभी फैक्ट और पॉइंट, और आगे भी जिनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस अगर आप रीड करते हैं तो सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चंस पे छोटा सा एक ठहराव लेना है, एक पॉज लेना है, और उस पर विचार करना है कि हमसे वो क्वेश्चंस किस तरह से पूछ सकता है, राइट? तो यहाँ पे हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहले से ही ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है कि 1993 में क्या हुआ था। हमको ये फोकस करना है, इस टाइम पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। अगला जो गोल्डन पॉइंट है वो ये है कि कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसने और कब की थी। कलिंग पुरस्कार की जो स्थापना करी थी वो करी थी JB पटनायक ने। किसने? JB पटनायक ने। और कब करी थी? 1951 में। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। जेबी पटनायक ने कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1951 में की थी, और कलिंग से याद आता है हमको कलिंग वॉर, अशोक के और खारवेल के बीच में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, लेकिन सबसे पहले जो प्रवचन दिए थे अशोक को, जिसके द्वारा उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उन भिक्षु का नाम क्या था? उन भिक्षु का नाम आप लिख लीजिएगा, उन भिक्षु का नाम था उपगुप्त। ये नाम कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया है, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पेन पेपर उठा लीजिए और इन सबको नोट कर लीजिए तुरंत। जो आता है वो नोट नहीं करना है, जो नहीं आता है उसको नोट करना है, उस पर हमको अब काम करना है, मतलब कि उसको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले फैक्ट की ओर। अगला जो फैक्ट है वो है कि भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? वो था आपका बुलगानिन। और कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ये भी आप याद रखिएगा। और कृष्ण क्रांति, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक रिवोल्यूशन, का संबंध खनिज तेल से है। किससे? खनिज तेल उत्पादन से है। रबड़ उत्पादक प्रथम देश कौन सा है, मतलब कि रबड़ का उत्पादन करने वाला सबसे पहले नंबर का देश कौन सा है? वो है आपका थाईलैंड। लेजर का आविष्कार TH मैमन ने किया था। किसने किया था? TH मैमन ने। भविष्य का धातु किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं टाइटेनियम को। टाइटेनियम को क्या बोलते हैं? भविष्य का धातु। तारा अय्यर का संबंध टेनिस खेल से है। कालीकट का नया नाम कोजी कोड है। और शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन थे? दो लोग थे, एक आपका मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी। और कभी कभी आपसे एग्जाम में अशोक के पुत्र का नाम भी पूछ लेता है, ठीक है, और उसकी बेटी का भी। तो इसके जो पुत्र था, पुत्र का नाम था आपका महिंदर, इसको महिंदा भी बोलते थे। और जो पुत्री का नाम था वो था आपका संघमित्रा। क्या? संघमित्रा। आगे बात करते हैं। देखिए, अगला जो गोल्डन पॉइंट है वो ये है कि महान दार्शनिक प्लेटो यूनान ग्रीस के निवासी था, और सुभाष चंद्र बोस ने
सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में। भारत और पाक का जो पहला युद्ध हुआ था वो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो इसको नोट करिएगा, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा प्रायोरिटी बनती है सेकंड वॉर की। तीसरा जो वॉर हुआ था भारत पाक के बीच में, वो हुआ था 1971 में। इसी के साथ आपको एक वॉर और याद करना है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो वो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक के बीच में। 1945 में वॉर का एंड कब हुआ था? जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था। वो कब गिराया था वो भी आप लिख लीजिए लगे हाथों। तो वो ये गिराया था, पहला जो गिराया था वो गिराया था आपका 6 अगस्त 1945 में, और सेकंड जो गिराया था नागासाकी में वो गिराया था आपका 9 अगस्त 1945 में। पहले बम का नाम क्या था और सेकंड बम का नाम क्या था? पहले का नाम था लिटिल बॉय और सेकंड का नाम था फैट मैन। तो दोनों ही बम के नाम, कब बम गिराया गया था, वो डेट, वो ईयर और स्थान हिरोशिमा नागासाकी, वो कई बार पूछा गया है, तो उसको आप प्लीज देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको बोल दिया, नोट्स में पेन डाउन कर लो। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? यह है आपका पेरू, और पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। डीगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है सिकंदराबाद में। और नींद के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नींद के अध्ययन को बोलते हैं हिप्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हिप्नोलॉजी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यू थॉन्ट का संबंध म्यांमार देश से है। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई में है। और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। बर्फ पर हॉकी जो खेली जाती है इसको बोलते हैं लैक्रॉस। कनाडा देश का क्या है? ये राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है ये? ये है आपका कनाडा का। कौन सा? बर्फ पर हॉकी। प्रथम एफ्रो एशियन खेल हैदराबाद में आयोजित हुआ था। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था चेतन शर्मा। और बात कर रहे हैं हम लोग हैट्रिक की, मतलब कि पहली 3 बॉलों पर किसने हैट्रिक मारी थी? ये मारी थी चेतन शर्मा ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपका कृष्ण प्रथम ने। और UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। जाट नेता राजा राम ने अकबर की कब्र को लूटा था। मातृ दिवस कब मनता है? ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। नीदरलैंड देश ने सबसे पहले कानून बनाकर इच्छा मृत्यु की वैधता प्रदान की थी। भारत में संडे की छुट्टी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे को आपका क्या होती है? छुट्टी होती है सबकी, ठीक है ना? आपके फादर की, आपके खुद की अगर आप जॉब करते हैं, या फिर आप कहीं कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वहाँ पे संडे की क्या होती है? छुट्टी होती है। तो संडे की छुट्टी जो भारत में डिक्लेयर हुई थी कि संडे क्या होगा, एक रेस्ट डे होगा, वो कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका 1843 में। हिंडोला भवन या जिसको बोलते हैं दरबार हॉल का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था हुसंग शाह ने। किसने? हुसंग शाह ने। भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी डी के कौरवे ने। और लोहत से पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? यह है आपकी नेपाल देश में। कहाँ पर? नेपाल देश में। कौन सी पर्वत श्रेणी? लाहौत से। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। और राजघाट से संबंधित एक बात और कि ये समाधि स्थल भी है। और ये किसका समाधि स्थल है? मोहनदास करमचंद गांधी का, मतलब बापू जी का। अगला जो गोल्डन पॉइंट है वो है उटकमंड। पर्यटन स्थल तमिलनाडु राज्य में है। और लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन थे या कौन है? यह है शिव खेड़ा। यू कैन विन, जीत आपके, ये पुस्तक भी किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है शिव खेड़ा ने। आई होप आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी। अगर ये पुस्तक आपने नहीं पढ़ी है और आपको मोटिवेशन की आवश्यकता लग रही है कि यार ठीक है मैं थोड़ा सा टेंस हो जाता हूँ,
पापा कुछ बोल देते हैं घर में, या कोई फ्रेंड कुछ बोल देता है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आनी है, अगर हल्की सी भी स्टार्ट हो गई है, तो इस बुक को मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। जब आपने इतनी बुक परचेज कर रखी है, अपने रूम पे ढेर लगा रखा है, एक एक सब्जेक्ट की आपके पास तीन तीन चार चार बुक है, तो उसमें प्लीज एक बुक को और ऐड कर लो। मेरे कहने से यू कैन विन, जीत आपकी। यू कैन विन इंग्लिश में है, जीत आपकी हिंदी में है, पूरा ट्रांसलेशन दोनों का सेम है। बुक को पढ़िए, टाइम दीजिए इस पर। इससे क्या होगा, आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इस बुक में दिए गए हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। जिन्होंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। सोने का सबसे बड़ा सिक्का जो है वो है सत्संग कहलाता है। और ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उपयोग कब करा था, ये करा था 1986 में। कब? 1986 में। किसने करा था वीटो पावर का प्रयोग? ज्ञानी जैल सिंह ने। देखो, दिल्ली को राजधानी का दर्जा जो प्राप्त हुआ था 69वां संशोधन के द्वारा हुआ था। और जब जॉर्ज पंचम 1911 में आए थे भारत में पहली बार, तो उन्होंने डिक्लेयर करा था कि कलकत्ता से दिल्ली अब क्या होगी, राजधानी बनेगी भारत की। मतलब दिल्ली की जो कैपिटल, जो हमारी भारत की जो कैपिटल थी, उसका स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली किसने करा था? वो करा था जॉर्ज पंचम ने। कब? 1911 में। तो जॉर्ज पंचम से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1972 में। और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर स्थित है? यह है आपका पेरू में। क्या है पेरू में? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। अगला गोल्डन पॉइंट है कि भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? यह है आपका मुंबई समाचार। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं BCCI, की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम था RE ग्रेट गोबेल। बढ़ते हैं हम आगे अगले फैक्ट की ओर कि न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है, सॉरी, न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है किस चीज़ को परिभाषित करता है? ये करता है परिभाषित बल को। और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करा था विलियम विल्किंस ने। ड्रम लीन हीमनद द्वारा निर्मित इस्तला करती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? एग्जाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपको चार ऑप्शन देगा, आपको राइट आंसर पे केवल फोकस करना है, सितार पर, ठीक है? सितार जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं, सफेद कलर हमको बनाना हो तो हमें किस किस कलर की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन तीन कलर को आपस में मिला करके हम लोग व्हाइट कलर को बनाएंगे? तो लाल, हरा, नीला, हमको ये तीनों कलर की आवश्यकता बनी पड़ेगी अगर हमको व्हाइट कलर बनाना है तो। अब एग्जाम में यहाँ पे ये पूछता है कि लाल, हरा तथा नीला का मिश्रण क्या है? वो है सफेद। और वायरस जो होता है उसकी खोज किसने करी थी? ये करी थी इवानोवस्की ने। और कब करी थी? 1892 में। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? उसका नाम था बुकाफेला। क्या था? बुकाफेला। संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड डरफिन ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। और भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता कथन किसने दिया था? तो ये कहा था आपका विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था? ये कहा था आपका विंसेंट स्मिथ ने। चलिए देखते हैं अगला फैक्ट क्या है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये थी वैशाली। और अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? यह है आपका तोताए हिंद। दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। और ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मंगला तेल कुआ कहाँ पर है? यह है आपका राजस्थान में। मोस्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। मंगला तेल कुआ कहाँ पर है? यह है आपका राजस्थान में। और हवाई जहाज बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज जो बनते हैं उनकी जो बॉडी बनती है बाहर की, तो वो किससे बनती है? कार्बन फाइबर से। तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। और माप तोल की दशमलव प्रणाली का जो प्रयोग करा था वो फ्रांस ने करा था। ये देन किसकी है? ये देन है फ्रांस की। फॉर्बर्ट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल है एवं नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है।
तो याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर में अवस्थित है। और भारत में जूट के प्रथम कारखाना की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1859 में, और कलकत्ता के निकट बिसरा नामक स्थान पर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के साथ में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। आप केवल याद रखिएगा, मध्य प्रदेश एग्जाम में आपको यही ऑप्शन देगा, मध्य प्रदेश। वहां पे छत्तीसगढ़ आपसे शायद ना पूछे। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियरिंग जो थे फर्डिनेड द लेसेप्स ने किया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई अरब सागर में सालसेट द्वीप पर स्थित है। जनगणना की तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य कर्नाटक में होता है। और राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र कहाँ पर है? यह है कर्नाटक में। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो ये प्राचीन नाम है आपका मैनाक पर्वत। क्या है? मैनाक पर्वत। सांपों का देश किसको बोलते हैं? ब्राजील। ब्राजील में क्या होते हैं? मैक्सिमम सांप पाए जाते हैं, स्नेक्स। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं आपके सांपों का देश जो बोलते हैं, ये बोलते हैं ब्राजील को। 1985 में द्रोणाचार्य का प्रथम पुरस्कार ओ एम नाम्बियार जो थे एथलीट्स के, और ओम प्रकाश भारद्वाज ये थे बॉक्सिंग के, एवं बाल चंद्र भास्कर भागवत ये थे कुश्ती को प्रदान किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्रथम विभूषण भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अगर आपसे ये पूछेगा तो आपको याद रखना है भारत रत्न। क्या? भारत रत्न। और अगर आपसे ये पूछता है कि दूसरा कौन सा है तो आपको याद रखना है दूसरा है आपका पद्म विभूषण। भारत में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये अनुच्छेद हैं टोटल 111। पुस्तक 1857 के विद्रोह के लेखक कौन थे? 1857 का जो विद्रोह हुआ था मंगल पांडे, आमिर खान की मूवी, उस विद्रोह की बात कर रहे हैं। ये पुस्तक का नाम था 1857 के विद्रोह। इसके राइटर कौन है? इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे अशोक मेहता। गोल गुंबज का निर्माण 1660 में किया गया था। कब करा गया था? 1660 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है, और भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन को कहा जाता है। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको बोलते हैं? पिता महा किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं राजा राम मोहन राय को। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, और ग्रैंड स्लेम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित है, और भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, ये चित्र का नाम है बनी ठनी, ये किस पर आधारित है? यह किशनगंज शैली पर आधारित। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी है? मौर्य साम्राज्य की जो सबसे प्रचलित मुद्रा है उसका नाम क्या है? उसका नाम था पर्ण। और पांड्यों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? उसका नाम है मदुरै। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव ने बनवाया था। कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। भारत में कागज का आगमन जो हुआ था वो 13वीं सदी में हुआ था, लेकिन सबसे पहली बार कागज का आविष्कार किसने करा था? ये करा था चीन ने। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी थे, और भारतीय जो गाय होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टी कप काव। टी कप काव किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं भारतीय गाय को। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में अवस्थित है, और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त किसके बचपन का नाम था? तो ये था आपका स्वामी विवेकानंद जी का। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो किसने किसको क्या बोला था? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये क्या है? भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 में किया गया था। कब करा गया था? 1245 में हुआ था। किसका निर्माण? कोणार्क मंदिर का।
जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? जैन साहित्य को बोलते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम, जैन साहित्य को। ईसा को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था, और बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? 1656 में, 1656 में। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम था अबू रेहान। रियल नेम क्या था अल बरूनी का? वो था अबू रेहान। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? योगनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? योगनीपुर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। क्या? इब्राहिम लोदी। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में करवाया था। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। इलायची पहाड़ी कहाँ पर है? इलायची पहाड़ी जो है वो है केरल में। और केरल से एक फैक्ट और आप लिख लीजिए, लिखिए मत, इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी फैक्ट है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो जनसंख्या है वो कहाँ की है? वो है केरल की। कहाँ की? केरल की। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? मतलब जो नदी काफी स्पीड बहती है, काफी जिगजग, जिसमें बहुत काफी कम है, जो बैंड बहुत कम होती है, वो नदी कौन सी है? वो नदी है नर्मदा। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में 22 जून 1665 में हुई थी। मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैरोल्ड अंगियार। क्या? गैरोल्ड अंगियार। इब्राहिम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बूथ ने की थी। इब्राहिम लिंकन की हत्या किसने करी थी? जॉन विल्किस बूथ ने। और इसी के साथ एक बात और कि महात्मा गांधी की हत्या किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। और काजी नजरूल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और नाहरगढ़ फोर्ट को सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में जयपुर मतलब राजस्थान में बनवाया था। आराम बाग को बाबर ने 1526 ईस्वी में बनाया था। और विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली बैठक 51 देशों में इसमें भाग लिया था। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 10 जनवरी 1946 को। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? यह है कंगारू। और बात करी जाए यहाँ के राष्ट्रीय फूल की तो वो है बैतल। बैतल यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। और कंगारू क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय पशु। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। स्वतंत्र भारत का पहली बार प्रथम बार रेलवे बजट को किसने प्रस्तुत करा था? तो ये प्रस्तुत करा था जॉन मथाई ने। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई फाम तुवान जो कहाँ के थे? वियतनाम के। और कब गए थे? 1980 में। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की लोक कला है। अलादी नो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। ईसाई धर्म में उपदेश को शुभ समाचार कहा जाता है। और रोलेक्ट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1919 को। कौन सा एक्ट? रोलेक्ट एक्ट। चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत 1949 में हुई थी। और एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम गेस्टापो था। शाहजहां का राजकवि कौन था? पंडित जगन्नाथ। और आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1654 में करवाया था, मतलब 1654 में करवाया था। सातवाहन काल की भाषा प्राकृत तथा लिपि बनाई थी। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय कहा जाता है। गुफा नंबर 17 जो है उसमें मैक्सिमम क्या है? नकाशी है। मैक्सिमम वहां पे चित्र बनाए गए हैं, इसलिए उसके क्या बोलते हैं? चित्रालय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? यह है मुंबई में। अगर बात करी जाए इंडिया गेट की, वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली में। तो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 ईस्वी में लागू हुई थी। तो लॉर्ड मैकाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पहली बार अंग्रेजी को कंपलसरी करा कि इंग्लिश जो है एजुकेशन का माध्यम होनी चाहिए। तो इंग्लिश को पहली बार जो भारत में जो लाए
तो वो लाए थे आपका लॉर्ड मैकाले। अगला जो गोल्डन पॉइंट है वो है केदारनाथ वन्य जीव विहार, चमोली उत्तराखंड में अवस्थित है। मुंबई का नाम बदलकर मुंबई, बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब करा गया? 1995 में। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को लॉर्ड कार्नवालिस ने प्रारंभ किया था, और स्थायी बंदोबस्त भी किसने करा था स्टार्ट? लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कार्नवालिस ने बहुत सारे काम करे, तो इसके लिए लॉर्ड के जब आप डिटेल पढ़ेंगे, वायसराय के जब बारे में आप हिस्ट्री में बात करेंगे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। देखिए प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है, और अहिल्या बाई होलकर की राजधानी माहेश्वर थी। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? वो था गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? वो है आपका गौड़। बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, ये था इसका पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन जरूर देखिएगा, और अगर आपका बेस काफ़ी वीक है, जीके में आप काफ़ी कम स्कोर करते हैं, तो आप लूसेंट बुक की वीडियो आप देख सकते हैं और इसके ऑडियो भी आप सुन सकते हैं। ऑडियो में हर एक एक लाइन कवर करी गई है, वीडियो में केवल वही चीज़ें बताई गई हैं जो आपके ए टू जेड हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, टाइम आपके पास है अभी पढ़ने का, तो आप सबसे पहले लूसेंट को फिनिश करिए। अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं है और SSC का एग्ज़ाम आपके सर पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले फोकस करना है प्रीवियस ईयर में पूछे गए GK के क्वेश्चंस पे। तो ये आपकी जो बुक है SSC घटना चक्र, ये जो बुक आप देख रहे हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, और इससे संबंधित इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो SSC में पूछे गए हैं, और उन सबकी एक वीडियो बना करके हमने इस चैनल पे डाल रखी है। आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, डायरेक्ट उन सभी क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर ये सारी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो वन लाइनर GK की प्लेलिस्ट है, उसको भी फिनिश करिएगा, इतना इनफ है आपके लिए, क्योंकि कम समय में केवल और केवल इतना ही हो सकता है। ज़्यादा समय है तो उठाइए लूसेंट बुक, वीडियो देखिए और वॉच करिए, हाईलाइट करना मत भूलना अपनी बुक को, ठीक है, वीडियो के साथ में हाईलाइट जरूर करना। इसी के साथ देखिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, लेकिन अलविदा कहने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।